तो बच्चों देखिए, अब ये सॉल्व करता हूँ मैं, इस पे भी मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, ये होगा नहीं ऐसा। देखो मैं बता दूँ आपको, ये तो ना तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना कुछ है। अगर यहाँ 9 होता तो हो सकता था, है ना। यहाँ 9 लाने के लिए देखो मुझे -2 करना पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -7। देखो एक बार मैं -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेता हूँ, एक बार +2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेता हूँ, और ये तो है ही यहाँ पर। देखो ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, कोई इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी इक्वेशन बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी, देखो काट रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ और मैं इसको पीछे फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो मैं इसको आगे ले आया और इसको मैं पीछे ले आया, तो ये हो जाएगा -9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस इसके जगह में लिख सकता हूँ 3 ए बी का होल स्क्वायर। इस पूरी की जगह लिख सकता हूँ 3 ए बी का होल स्क्वायर, तो ये यही हो जाएगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा क्या है, ये एक फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको पता नहीं तो ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का। तो देखो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये यही आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। और ये तो ऐसे था ही। अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो बच्चों अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस ए, ये देखो ये पूरा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो देखो ये हो चुका है मेरा आंसर, ये प्लस है बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ये आंसर आ चुका है मेरा 17 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -14x² + 1। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे मैं करता हूँ +2x² -2x² -14x² + 1। तो ध्यान से देखो, ये दोनों तो क्या हो जाने वाले हैं 16x², और देखो मैं इसको इधर ले आ लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x² + 1 माइनस ये हो जाएगा 16x². अब ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है बच्चों किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का होल स्क्वायर माइनस, इसको तो आपको पता ही है, -4x का होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना इजी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस अब मेरे को यही करना है। देखो ए प्लस बी 4x, ए माइनस बी, तो देखो ये मेरा आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी था ये भी। अब कब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट।